the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. So students, हम लोगों ने last lecture में पढ़ा असीम देवों, उसकी हम लोगों ने translation की word to word meaning की. एक्चुअली जो पोइम थी असीम देवों में, उसमें जो पोइट है वो तारीफ कर रहा है सिंधी वुमेन के चलने के स्टाइल की, कि जो सिंधी वुमेन है वो स्मूथली किस तरह चलती है, हार्डशिप्स आए उसके सामने पत्थर है, उसके सामने गार्बेजेस है, कूड़ा करकट है उसके सामने, लेकिन फिर भी वो स्मूथली चलती जा रही है. एक्चुअली जो पोइट है वो हम लोगों को बताना चाह रहा है कि वही पर्सन स्ट्रांग होते हैं जो जिंदगी की मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, वही स्मूथली जिंदगी में चल सकते हैं. कि हार्डशिप्स को हैंडल करने का तरीका हम लोगों को आना चाहिए और स्मूथली उसमें हम लोग कैसे चल सकते हैं. सो हम लोगों ने पढ़ा सिंधी वुमेन, फर्स्ट जो स्टैंजा था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो सिंधी वुमेन है वो नंगे पांव जो है वो कैसे चल रही है, उसका जो घड़ा है मिट्टी का घड़ा उसने अपने सर पर उठाया हुआ है, एंड जो कभी कभी हवा के साथ उसके फेस का जो दुपट्टा है वो उड़ जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है पोइट को कि कैसे वो स्मूथली नंगे पांव चल रही है एक सर पर मटका उठाए हुए, और उसकी चाल में जरा बराबर भी लटरावट नहीं आती है, वो स्मूथली चलती जा रही है. सेकंड स्टैंजा में आप लोगों ने पढ़ा कि वो कैसे जो प्राची की कच्ची बस्तियां हैं वहां से वो कैसे गुजरती है, वहां पर उसको पत्थरों का सामना करना पड़ता है, पूरा कटकट का सामना करना पड़ता है, और इनफैक्ट इवन कि वहां पर उसको जो शीशे के टुकड़े हैं उसका भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो स्मूथली चल रही है. वहां पे जो एक्चुअली जो उसके वहां पे पत्थर जो पूरा कटकट है वो सिंबलाइज किया हुआ है पोइट में जिंदगी की हार्डशिप्स के साथ. ठीक, जिंदगी की हार्डशिप्स कहता है कि पर्सन जो है वो ही स्ट्रांग होता है, वो ही मजबूत होता है जो जिंदगी की मुसीबतों को बर्दाश्त करता है. जैसे कि वो सिंधी वुमेन उन पत्थरों को बर्दाश्त कर रही थी, वो शीशों के टुकड़े को बर्दाश्त कर रही थी. सो ये हम लोगों ने पढ़ा लास्ट पे, उसके बाद लास्ट टू लाइन ऑफ दिस पोइम में हम लोगों ने उसको एक उसने एक लेसन दिया है हम लोगों को कि इंसान जो है काम करके ही स्ट्रांग बढ़ता है, अदरवाइज जो आराम सुन के आदि हो जाते हैं वो जल्दी तबाह हो जाते हैं. ये है असिंधी वुमेन. सो जब आप लोगों ने रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट लिखना है उसमें रेफरेंस है सबसे पहले आप लोगों का दिस लाइन शाबिंग चिकन फ्रॉम द पोएम असिंधी वुमेन. जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पोएम में बताया था कि जब आप लोग पोएम का नेम लिखते हैं उसको लिखना है इनवर्टेड कॉमास में, एंड जो उसकी पोएम में जहाँ जहाँ कैपिटल वर्ड्स आते हैं जिस स्पेसिफिक पर्सन का प्लेस का या थीम का नाम है वो आप लोगों ने कैपिटल वर्डिंग में लिखना होता है. ठीक, उसके बाद क्या इसका मतलब है कि ये जो लाइन्स हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं, असिंधी वुमेन से, जिसने लिखी है जेम्स स्टावर्ड ने. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्पेसिफिक नेम होते हैं किसी खास चीज इसम या जगह का नाम जो है हम लोग कैपिटल वर्डिंग में लिखते हैं, इसलिए हम लोगों ने जैन का जे कैपिटल में लिखा एंड एस का स्टैलवर्डी का एस जो है कैपिटल वर्ड में लिखा. स्टार्ट का जो वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है. सो असिंधी वुमेन इनवर्टेड कॉमास में लिखना आप लोगों ने अपने बोलना है, प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए. देन बात आती है कॉन्टेक्स्ट की. कॉन्टेक्स्ट की मैंने आपको बताया कि थीम जो है वो आप लोगों ने लिखना होता है कि ओवरऑल जो पोइम है उसने जो पोइट है वो क्या बयान कर रहा है, कि उसमें लेसन कौन सा दे रहा है, और वो एक्चुअली जो
नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस ऑथरों का हो गया. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम असेंडेड वुमन रिटन बाय जैन स्टॉलवर्थी. ओके देन है ऑथरों का कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया. द पोएट प्रेजेस, प्रेजेस कहते हैं तारीफ करना. हार्ट वर्क ऑफ सिंधी वुमेन के जो पोएट है वो किसकी तारीफ कर रहा है, सिंधी वुमेन की हार्ड वर्क को वो तारीफ कर रहा है उसकी. शी इज एनर्जेटिक के वो पुरजोश है अपने काम करने के लिए, ताकत में है. इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ वर्क कि ये काम की ही हम लोगों पर रहमत होती है. डैट कीप्स मैन गोइंग जो इंसान को चलाए रखती है. एजल मैन, एजल मैन कहते हैं एजल पैसिव जो स्पेसिफाइड वर्ड है वो यूज होता है बुद्ध के लिए. यहाँ पे एडल मतलब है फारिग इंसान. फारिग एडल मान विल सून डिके, डिके कहते हैं तबाह हो जाना, कि जो फारिग इंसान है वो जल्दी ही तबाह हो जाता है. दिस पोएम आल्सो पोर्ट्रेस द स्लम्स, स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादियां. दिस पोएम आल्सो पोर्ट्रेस, पोर्ट्रेस कहते हैं बयान करना, द स्लम्स ऑफ कराची के, कराची के जो हालात हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं उसका मंजर भी हमारे सामने पेश हो रहा है इस पोएम के थ्रू. दिस वुमेन वॉक्स, जो ये जो औरत है सिंधी वुमेन जो है वॉक सॉफ्टली विद द डेलिकेसी के नाजुकी के साथ, वो बहुत ही आराम से चल रही है. जो उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, इनफैक्ट उसने पाँव पे शूज भी नहीं पहने हुए हैं, जूता भी नहीं पहना हुआ है, फिर भी वो स्मूथली चल रही है क्योंकि उसको आदत है जिंदगी की हार्डशिप को बर्दाश्त करने की. सो इसलिए कि जब हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि मुसीबतों को हम लोगों ने कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व आउट करना है, वो हम लोगों को जब पता चल जाता है तो हम किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझते हैं. सो सबसे पहले हम लोगों में जो फॉर्म एटीट्यूड होना चाहिए कि हम किसी भी हालात का सामना डट कर करेंगे, हम लोग ये काम कर सकते हैं. सो ये हम लोगों का है रेफरेंस. ये कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बुक्स रेफर की है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन. ये रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के लिए ईजी करके मैंने लिख दिया है. ओके फिर अब हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज. पेज नंबर है 65 पेज नंबर है जहाँ पर एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है. उससे पहले सबसे पहले लिखा हुआ है आज टू मोर राइमिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स विच विद ईच वर्ड. जैसे कि राइमिंग वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसकी साउंड जो है वो सेम निकलती है. अक्सर जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं इस राइमिंग वर्ड्स को अपनी पोएम्स में. तो ऐसे ही हम लोगों ने इसके जो उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं उसके हम लोगों ने राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये आपको स्पेस है, ये आप राइट डाउन करिएगा अपनी नोट्स पे. देन मैं यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो लिख रही हूँ. सबसे पहले है आपका ग्रेस. ग्रेस का फर्स्ट बनता है ट्रेस. सेकेंड है ब्रेस. ओके उसके बाद जो सेकेंड है ट्रेल, इसका है फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड ब्रेड. थर्ड है ट्रांस. ट्रांस है ट्रांस स्लांस. फोर्थ एंड लास्ट वन है वेट. ग्रेट लिखना आप लोगों ने ठीक है. उसके बाद लिखना है स्ट्रेट. ये डायमंड वर्ड्स आप लोगों के आ रहे हैं ना, ये ए का है, ये बी का, ये सी का एंड देन ये डी का. फर्स्ट वर्ड था आप लोगों का ग्रेट, उसके आगे मैंने डायमंड वर्ड्स लिखे ग्रेट ट्रेस ड्रेस. सेकेंड है बी ट्रेट, ट्रेट का ट्रेट ब्रेड. उसके बाद सी था ट्रम्स, ड्रम्स स्लम्स. डी वेट वेट सच्चे. ये होगी आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का. देन सेकेंड आता है राइट डाउन द मिसिंग द राइमिंग वर्ड्स इन ईच
टैगोर ने पोइम पढ़ी है वहाँ से ही उन्होंने ये जो सेंटेंस हैं ये दिए हुए हैं, और वहाँ से जो मिसिंग वर्ड है वो आप लोगों ने देखना है। एक है हाई ऑन हर इट्स बी, सेकंड वाला जो है हेड, उसने अपने सर पर क्या उठाया हुआ था, मटका उठाया हुआ था। उसके बाद सेकंड जो है वो है आज से क्लोथ बैक फ्रॉम हर, के जो कपड़ा था कहाँ से उड़ा था उसके फेस से, सो इट्स थर्ड। सी वॉचिंग हर क्रॉस, कि वो कहाँ पर उसको देख रहा था, इरेक्ट इट्स फोर्थ, इरेक्ट सीधे रास्ते पर उसको देख रहा था। आई विद माय स्टूल रिफ्लेक्ट इट्स फोर्थ, रिफ्लेक्ट खड़े होकर उसका अक्ष देख रहा था। टेली करिएगा दोबारा से, फॉर ए का है सेकंड, बी का है थर्ड, सी का फोर्थ, डी का भी फोर्थ। ओके, उसके बाद आप लोगों का है थर्ड क्वेश्चन है गिव अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। फोर्थ है व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमन। आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे लिख लें hardships of life। ठीक है, ये आप लोगों का फोर्थ का आंसर है। ठीक है, ओके, उसके बाद आप लोगों का फिफ्थ है मेन आइडिया में थीम आता है इसमें। नेक्स्ट है प्राचीन इस्लाम में कौन सी फीचर्स हैं, देयर आर स्टोन्स, गार्बेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड ग्राउंड। ठीक, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर, सेवंथ का है, एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज करना है। द वुमन इन द पोएम वाज पासिंग थ्रू द, कहाँ से गुजर रही थी वो, बाजार से। शी वाज कैरिंग अ डैश ऑन हर हैट, क्या उसने अपने सर पर रखा हुआ था, स्टोन जार, क्या रखा हुआ था उन्होंने, स्टोन जार अपने सर पर रखा हुआ था। उसके बाद दो राय कैन वेट स्टैंड स्ट्रेट, दी हर वॉक वॉज स्मूथ। ठीक है, दोबारा से पहले करिएगा, फर्स्ट ए का है सेकेंड, बी का भी सेकेंड है, सी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोगों की आज जो पोएम है वो कंप्लीट हुई जाती है विद एक्सरसाइज। होप्सो कि आप लोगों को सही तरह से समझ आ गई है। अगेन मैं बता रही हूँ कि सिंधी वुमेन जो है किसके बारे में है, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ सिंधी वुमेन, कि वो कैसे चल रही होती है, बेयरफुटेड, बेयरफुटेड कहते हैं नंगे पांव, विदाउट शूज, किसी भी लड़खड़ाहट के बगैर अपने रास्ते पर जा रही होती है, उसके सर पर इतना बोझ भी है पानी का, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली एंड स्मूथली चलती जा रही है। देन वो बताता है कि जो हार्डशिप्स हैं वो ही लोग बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं जिंदगी की मुसीबतों को, जो मजबूत हैं, जो जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा, ये आप लोगों का हो गया सिंधी वुमेन कंप्लीट। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को सब